मलाबार नेशनल हब के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित लोकमत ग्रुप के अध्यक्ष श्री विजय बाबू दरड़ा जी, मलाबार ग्रुप के चेयरमैन श्री एमपी अहमद जी, वाइस चेयरमैन श्री अब्दुल सलाम केपी जी, एमडी श्री ओ ऐशर जी, आज के समारोह में उपस्थित श्री पृथ्वीराज कोठारी जी, सईम मेहरा जी, किरीट भाई भंसाली, मिलन पारेख जी, घनश्याम ढोलकिया जी, हमारी रत्न और आभूषणों की दुनिया से यहां पर पधारे हुए सभी डायमंड्स एंड ज्वेल्स और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री एमपी अहमद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुंबई में मलाबार के नेशनल हब की शुरुआत की और साथ में ये भी घोषणा की कि दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 700 करोर्स एंड दे वुड इन्वेस्ट 1000 करोर्स मोर इन महाराष्ट्र। सो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आई वुड लाइक टू थैंक यू मिस्टर अहमद जी फॉर चूजिंग महाराष्ट्र एज अ डेस्टिनेशन फॉर योर फ्यूचर जर्नी। कुछ अनाउंसमेंट उन्होंने और की, विशेष रूप से उन्होंने कहा कि उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन 21,000 से बढ़कर वो 1,00,000 तक ले जाने वाले हैं अगले 4 वर्षों में। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। मैं केवल उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो क्वांटम जंप आप ले रहे हैं, इसमें से मोर देन 50% लोग ये महाराष्ट्र में ही एम्प्लॉय हो, इस प्रकार से आप उसको स्ट्रक्चर कीजिए। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र विल ऑलवेज बी वेलकमिंग यू, यू विल फ्लरिश एंड प्रॉस्पर इन महाराष्ट्र एंड ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू इन महाराष्ट्र, विल क्रिएट दैट इकोसिस्टम फॉर यू इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आज हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी की और डायमंड की इंडस्ट्री ये देश में हमारे रेवेन्यू का एक प्रमुख स्रोत है, हमारे एक्सपोर्ट का एक प्रमुख स्रोत है और हमारे एम्प्लॉयमेंट का भी एक प्रमुख स्रोत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी कारण से स्वयं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस इंडस्ट्री की अहमियत को समझते हैं, इस इंडस्ट्री से वो इंटरेक्ट भी करते और प्रोत्साहित भी करते। और जैसा अहमद जी ने बताया कि पिछले समय जब इंडस्ट्री के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि इंडिया जॉब वर्क तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अब वो समाज चला गया जब हम केवल जॉब वर्क करें, वी वॉन्ट आवर ब्रांड्स टू गो इंटरनेशनल। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी की उस बात को हमारी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा है, समझा है, इम्प्लीमेंट किया है। और इसमें मैं मलाबार को विशेष धन्यवाद दूंगा कि आपने जो ग्लोबल फुटप्रिंट तैयार किया है, वो ग्लोबल फुटप्रिंट इस इंडस्ट्री में इंडिया की जो पोजीशन है उसको लोगों के सामने एक प्रकार से प्रतिपादित करने वाला इस प्रकार का आपका प्रेजेंस है। और मेरा विश्वास है
कि हमारे जो इंडियन ब्रांड्स हैं आने वाले दिनों में दुनिया में हमारे ब्रांड्स की निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहचान ये बनेगी। वैसे भी हम जानते हैं कि भारत तो अनादिकाल से रत्नों में, आभूषणों में, डायमंड्स में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। प्राचीन समय में भी हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार के आभूषण भारत में तैयार होते थे, दुनिया के लोग भारत में उन आभूषणों को पाने के लिए आते थे। और जितने आक्रमण भी भारत पर हुए, सारे आक्रमणकारी इसीलिए भारत में आए कि यहां पर जिस प्रकार का की समृद्धि है, जिस प्रकार का ट्रेजर है, जिस प्रकार का गोल्ड का काम होता है, जिस प्रकार का डायमंड का काम होता है, जिस प्रकार के आभूषण बनते हैं, उसके लिए ही लोग भारत उस समय भारत पर आक्रमण भी करते थे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब एक नया समय है कि जब भारत अपने स्किल सेट के आधार पर, भारत अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर दुनिया में फिर एक बार अपनी पहचान रत्नों और आभूषणों में बना रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि वी वॉन्ट टू ट्रेवल अवे फ्रॉम बींग सिक्स्थ टू बिकम नंबर सेकेंड इन द वर्ल्ड, ये मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित आवर इंडस्ट्री विल राइज टू द ओकेजन। एंड वाई ओनली सेकेंड, हम लोग तो चाइना को भी पीछे छोड़कर और बाकी रशिया हो या अलग अलग इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, सबको पीछे छोड़कर मेरा विश्वास है कि आप लोग भारत को नंबर वन बनाने की क्षमता रखते हैं। मुझे इस बात का भी बहुत हर्ष है कि हमारे जेम्सन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक बहुत अच्छा जेम्सन ज्वेलरी हब तैयार करने का काम हाथ में लिया है। और मैं विजय बाबू को कहना चाहता हूं, विजय बाबू, हमने सूरत में क्या हो रहा है उसकी चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, मुंबई मुंबई है, मुंबई की अपनी ताकत है। सो नोबडी कैन मैच द इकोसिस्टम विच वी कैन क्रिएट और वी हैव क्रिएटेड इन मुंबई। वी शुड बी हैप्पी दैट द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एल्सवेयर, बट इट इज ग्रोइंग, इट इज नॉट गोइंग। तो इंडस्ट्री ग्रो करे तो हमको प्रॉब्लम नहीं, गो करे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट आई एम श्योर कि हमारे जितने भारत डायमंड बूर्स हो या जेम्सन ज्वेलरी काउंसिल हो या हमारे अलग अलग संगठन के लोग हो, ये सारे लोग मुंबई की अहमियत को जानते हैं, इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पर नई इकोसिस्टम ये मुंबई में तैयार हो रही है। हां ये जरूर है कि उनकी अपेक्षा अनुरूप वी हैव टू ब्रिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि कई बार हमारे प्रोसेसेस ये कंबरसम होते हैं और उसके कारण निवेशकों को, उद्योजकों को, जिन्होंने निवेश किया ऐसे लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग बिजनेस करें या कंप्लायंस करें। तो कंप्लायंसेस को कम करते हुए एक हैसल फ्री बिजनेस ये कैसे तैयार हो, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ओर से हम लगातार हमारे उद्योजकों के साथ बैठ रहे, काउंसिल के साथ भी हमारी मीटिंग्स होती है और जो सजेशंस आते हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम हम लोग करते हैं। तो अभी हमारे काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सारे लोग यहां पर है, तो मेरी अपेक्षा है कि ये जो हमारा जेम्सन ज्वेलरी का हब तैयार होने वाला है, इसको जल्द से जल्द आप कार्यान्वित कीजिए, इसका काम चालू कीजिए और देश भर के मलाबार, जैसे अब मलाबार तो हमारे हो गया, वैसे भी हम मलाबार परिवार के, मैं मलाबार हिर पे ही रहता हूं, तो हम भी उसी परिवार के,
लेकिन ऐसे सारे जितने टॉप प्लेयर्स हैं, ये सारे हम हमारे जो जेम्सन ज्वेलरी का हब बन रहा है वहां पर उनका प्रेजेंस देखना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में भी एक अच्छी नीति तैयार की है, जिसमें एक बहुत इंटरनेशनल मार्केट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी हमने उस संदर्भ में कुछ पहल की है, तो उसमें भी हम लोग निवेश भी ला सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। मैं आज इस बात के लिए भी मेलाबार को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन कोर वैल्यूज को लेकर आप ये बिजनेस करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बिजनेस बढ़ तो जाता है लेकिन कब समाप्त हो जाता है समझ में नहीं आता। आपको अगर एक कंसिस्टेंट राइज इन योर बिजनेस, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, तो यू हैव टू हैव कोर वैल्यूज, यू हैव टू हैव एथिकल बिजनेस वैल्यूज, और उन एथिकल बिजनेस वैल्यूज को एक प्रकार से इनकलकेट करने का काम, उनको फॉलो करने का काम ये मलाबार ने किया है। जिस देश में काम करते हैं वहां के कायदे कानूनों को पूरे तरीके से अपनाने का काम वो करते हैं। हमारे देश में काम करते हुए सारी चीजें नियम के अनुसार हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। वन नेशन वन प्राइस, किसी भी प्रकार से हमारे जो खरीदार है उनको कोई चीट न करे, दे शुड गेट वैल्यू फॉर मनी, दे शुड हैव ट्रस्ट दैट वी आर गेटिंग वैल्यू फॉर मनी। इस दृष्टि से मलाबार ने पिछले 20 सालों से लगातार जिस प्रकार के प्रयास किए हैं, मैं उन प्रयासों की भी सराहना करता हूं, और साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जिस प्रकार से आप निभा रहे हैं, हंगर फ्री इंडिया हो, हंगर फ्री वर्ल्ड हो, स्कॉलरशिप्स देने की बात हो, मैं ऐसा मानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग समाज के अंग हैं और समाज में जो पीड़ाएं हैं उनको दूर करना ये हमारी भी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को भी आप बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, और आपकी ऑनवर्ड्स जर्नी जो है ये बड़ी तेजी से हो, आप बहुत प्रॉस्पर हो, आप फले फूले, साथ में बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, हमारे राज्य का अपने देश का नाम आप ऊंचा करें, इस प्रकार की शुभकामनाएं आपको देता हूं। और आज अनंत चतुर्दशी के बहुत ही पावन पवित्र दिवस पर यहां पर इस नेशनल हब के उद्घाटन में आपने निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।